नई शिक्षा नीति 2020। आज मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो करंट एजुकेशन के बारे में था। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान स्कूली सिस्टम प्लस टू जो है, इसमें अभी फ़िलहाल क्या होता है कि 11th के बाद सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट। ये सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है नया सिस्टम के अंदर। नया सिस्टम जो आएगा उसमें है 5+3+3+4। इसका मतलब है, 5 का मतलब है कि LKG, UKG, नर्सरी और फर्स्ट सेकेंड को जो कहा गया है वो फर्स्ट 5 कहा गया है। नेक्स्ट 3 का मतलब है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास, और नेक्स्ट थर्ड का मतलब है 6th, 7th और 8th क्लास। नेक्स्ट फोर्थ का मतलब है 9th से लेकर के 12th तक की क्लासें। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 5 का मतलब प्राइमरी एजुकेशन रखा गया है, थर्ड का मतलब जो नेक्स्ट है उसका मतलब है मिडिल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, और उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। अभी जो बच्चा जो एडमिशन लेता है वो फर्स्ट क्लास में लेता है, लेकिन अब जो नई एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होगा कि बच्चा 3 ईयर का बच्चा LKG, UKG, नर्सरी ऐसे करके करेगा जो अभी प्राइवेट स्कूलों में होती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में सिक्स ईयर का बच्चा ही एडमिशन लेता है फर्स्ट क्लास में। फिफ्थ क्लास तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। इसका मतलब है कि जो बच्चा जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट के अंदर उसी भाषा में पढ़ाई कर सकता है फिफ्थ क्लास तक। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा साउथ का है तो वो इंग्लिश में कर सकता है या अपनी वहाँ की मदर टंग में कर सकता है। अगर नॉर्थ का है तो वो हिंदी में कर सकता है या फिर इंग्लिश में कर सकता है। इस तरह से जो उसे बच्चे को सूटेबल लैंग्वेज लगे वो उस भाषा में फिफ्थ तक पढ़ाई कर सकता है। क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। नई एजुकेशन जो है 2030 तक लागू होने वाली है। इसमें यह है कि 6th के बाद प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें एक प्रोफेशनल कोर्स बच्चे को 6th के बाद चूज करना होगा। 9th के अंदर जो है उसमें डीपली स्टडी कराई जाएगी बच्चे को उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो उसने ले रखा है। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट किसी के साथ भी चूज कर सकता है। कहने का मतलब है कि साइंस के साथ अगर वो आर्ट लेना चाहता है या म्यूजिक लेना चाहता है तो ले सकता है। अभी तक क्या होता था कि जिस बच्चे ने 11th में साइंस ली है वो म्यूजिक नहीं ले सकता या फिर वो आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट वाला कॉमर्स के नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब जो नया सिस्टम पॉलिसी आई है 2030 तक लागू होगी, इसमें ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है अपने चॉइस के हिसाब से। अगर साइंस के साथ उसे म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक ले सकता है, अगर उसे आर्ट के साथ उसे मैथ अच्छा लगता है तो वो ले सकता है। आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा, क्राफ्ट, ये बेसिकली अभी तक क्या होते थे कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी में डाले जाते थे। इनको मार्कशीट में ज़रूर शो किया जाता था लेकिन इनके नंबर ऐड नहीं किए जाते थे। अब जो नई एजुकेशन आई है उसमें इन सब्जेक्टों को मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। अगर बच्चा म्यूजिक या फिर योगा या स्पोर्ट्स पढ़ता है तो उसको इतना ही इक्विवेलेंट माना जाएगा जितना साइंस, मैथ और सोशल साइंस या इंग्लिश को माना जाता है। नई जो पॉलिसी आई है एजुकेशन के लिए उसमें एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो भी चेंज किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि स्कूल के जो एग्ज़ाम है जो बच्चे से लिए जाएंगे वो 3rd, 5th और 8th क्लास में लिए जाएंगे। बीच में जो क्लासें हैं उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, उनके बेसिकली प्रैक्टिकल बेस के ऊपर असेसमेंट करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम जो 10th एंड 12th है जो अभी फ़िलहाल हो रहे हैं उसी तरह से होते रहेंगे, बस उसमें ये चेंज है कि बोर्ड के एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे। बच्चा चाहेगा तो उसे अपने हिसाब से 2 बार के अंदर उसे आसानी से क्लियर कर लेगा। उसमें क्या होता है कि 2 पार्ट के अंदर एग्ज़ाम होने की वजह से बच्चे को ज़्यादा लोड नहीं रहेगा पढ़ाई का, ज़्यादा याद करने का, इसलिए जो नई एजुकेशन है उसमें 2 पार्ट में कर रहे हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अभी सेमेस्टर सिस्टम चलता है। और दूसरी जो नई एजुकेशन के अंदर जो इन्होंने डाला है कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दो तरह के होंगे, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दिया गया है थ्योरेटिकल की बजाय। मार्कशीट जो है वो अब चेंज हो गई है। इसमें 360 डिग्री की मार्कशीट बनेगी, रिपोर्ट कार्ड जो बच्चे को मिलेगा
वो 360 डिग्री का मिलेगा। इसका 360 डिग्री का यहाँ पे मतलब है कि सब्जेक्ट के नंबर प्लस उसने स्किल जो पढ़ाई करी है, सिक्स्थ के बाद जिस स्किल में पढ़ाई करी है या प्रैक्टिकल नॉलेज ली है, वो भी अब ऐड किया जाएगा। इसमें जो असेसमेंट का तरीका है वो चेंज हो गया है। बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा, क्लासमेट उसका असेसमेंट करेगा और टीचर फाइनली उसका असेसमेंट करेगा अगली क्लास में जाने के लिए। आफ्टर 10th अभी क्या होता है कि बच्चे को कोई भी स्किल नहीं होती और वो रोजगार प्राप्त करने में दिक्कत होती है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये होगा कि अगर वो प्लस टू के बाद, अगर प्लस टू करके वो निकलता है तो उसे एक स्किल कंपलसरी होगी उसके पास, जो उसे रोजगार प्राप्त करने के अंदर आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल उसके पास हो सकता है इलेक्ट्रीशियन की नॉलेज हो, या फिर उसे मैकेनिकल की नॉलेज हो, या कंप्यूटर की नॉलेज हो, कोई भी एक उसे नॉलेज रहेगी स्किल की जो आगे फ्यूचर में उसके काम आएगी। टीचरों के लिए इसमें क्या किया गया, ट्रेनिंग कराई जाएगी टीचरों को। इन्होंने बेसिकली टीचरों को इस तरह से ट्रेंड किया जाएगा ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्किल डेवलप करने के अंदर बच्चों को हेल्प किया जाए, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया है टीचरों के लिए, इस पर विशेष इन्होंने ध्यान दिया है। अंडर ग्रेजुएशन में थोड़ा चेंज हुआ है। अभी तक जो होता था कि प्लस टू के बेस के ऊपर बच्चे का एडमिशन हो जाता था कि कितने परसेंटेज है, या फिर कुछ कुछ के अंदर जैसे IIT के अंदर होता है बेसिकली, या फिर MBBS के अंदर होता है कि एग्जाम लिया जाता है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जा रही है जो कॉमन टेस्ट लेगी अंडर ग्रेजुएशन के लिए, कॉलेज के एडमिशन के लिए। वो सभी के लिए लागू होगी, सभी कॉलेजों के लिए कॉमन टेस्ट लेगी। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का यहाँ पे मतलब ये है कि जो बच्चा बीच में ड्रॉप कर देता है ग्रेजुएशन, अभी फिलहाल क्या होता है कि जो बच्चा किसी वजह से या तो मैरिज हो जाती है, या कहीं जॉब करने चला जाता है, या फिर बीच के अंदर हो सकता है बीमार हो गया, तो वो बीच में डिग्री को ड्रॉप कर देता है, तो उसको डिग्री नहीं मिल पाती और उसकी वो जो 2 साल या 1 साल की पढ़ाई करी थी वो वेस्ट हो जाती है। जो नया एजुकेशन सिस्टम में ये है कि अगर आपने 1 साल तक पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आपने 2 साल तक पढ़ाई की है कॉलेज के अंदर तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर आपने 3 ईयर तक पढ़ाई की है तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और अगर आपने 4 ईयर तक पढ़ाई की है तो आपको डिग्री के साथ शोध का या रिसर्च का भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चेंज हुआ है। अभी तक क्या होता था कि डिग्री के बाद जो मास्टर है ज़्यादातर 2 ईयर की रखी गई थी, चाहे वो 3 ईयर की डिग्री हो या 4 ईयर की हो। अब इसमें चेंज किया गया, अगर आपके पास 3 ईयर की डिग्री है तो 2 ईयर का मास्टर होगा, अगर आपके पास 4 ईयर की डिग्री है तो 1 ईयर का मास्टर होगा, और 5 ईयर की डिग्री है तो आप इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जो अभी भी चलता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है वो 5 ईयर के अभी भी होते हैं फिलहाल भी, लेकिन इसमें है कि आपको 5 ईयर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे, जो नई वाली एजुकेशन पॉलिसी है उसमें। PhD के अंदर ये चेंज किया गया है कि अभी क्या होता है कि फिलहाल पहले ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर वो MPhil करता है, फिर PhD के कैपेबल होता है। अभी इसमें चेंज कर दिया कि जो बच्चा अगर 4 ईयर की डिग्री अगर उसने कंप्लीट कर ली है तो वो PhD कर सकता है, या फिर 3 ईयर की करके 1 ईयर की उसने मास्टर कर ली है तो भी वो PhD में एडमिशन ले सकता है। अब MPhil जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, MPhil को यहाँ से हटा दिया गया है, अब MPhil आगे नहीं होगी जो 2030 की पॉलिसी के अंदर थी। ई सिलेबस राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NTF बना रहा है। इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन सारी क्लासों के सिलेबस दिए जाएंगे, बच्चा चाहेगा तो अपने घर से भी ऑनलाइन क्लासे पढ़ सकता है जो कॉलेज या स्कूल नहीं जा सकते। शिक्षा के अधिकार को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, RTI का दायरा बढ़ा करके 3 साल से 18 साल तक कर दिया गया है प्लस टू तक, जो पहले 6 साल से 14 साल तक था, जो 8th क्लास तक था। GDP यहाँ पे पहले 4.43% रखा गया था एजुकेशन में, जो अब 2020 में नई पॉलिसी के अंदर इसको 6% करने का एम रखा गया है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 साल वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसका बेसिकली एम यही है कि बच्चा जब निकलेगा प्लस टू करके तो उसको ये रोजगार के लिए दिक्कत ना हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तक आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें और आपको दिक्कत ना हो नई वीडियो आने के अंदर। थैंक यू।